सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसे आप लोग जेपी पावर के नाम से जानते हो। तो जयप्रकाश पावर के अंदर आप लोग देखोगे आज हमें जो ना भी 7.5-8% के करीब गजब की रैली बनते नजर आई स्टॉक में। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 7.15 रुपये के आसपास जो शेयर ऊपर में पहुंचा है ना, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो भी यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी इसके आगे के क्या हो सकते हैं टारगेट। उसके साथ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट, वो मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है इसका पीई रेशियो, जो कि स्टॉक को दर्शाता है ओवर वैल्यूड। तो ये सारी चीज़ें जो ना भी इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। बट हाल फिलहाल जो स्टॉक में तेजी बनी हुई, इसके जो पीछे के रिजल्ट आए थे ना, क्वार्टर रिजल्ट आए थे, वो आपने देखे होंगे, रिजल्ट काफ़ी शानदार आए थे और उसी का असर हमें जो ना स्टॉक के ऊपर अभी ये देखने को मिल रहा है। और पिछले दो दिन स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी हमें देखने को मिली, बिकॉज वहां पर मार्केट का असर रहा था। मार्केट में जो फॉल बना था ना, उसी की वजह से जो शेयर है वो दो दिन टूटा। और अब आप लोग देखो, दो दिन से मार्केट में अच्छी हमें रिकवरी बनते नजर आ रही है। आज भी मार्केट हमें जो है पॉजिटिव दिखाई दे रही है और स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी हुई है और 15 करोड़ 26 लाख के करीब वॉल्यूम आई है। तो चलिए भाई जानते हैं अब इसके आगे के क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं। साथ में हमारी कल की वीडियो पर एक कमेंट आया, अच्छा कमेंट था, मेरे को भी अच्छा लगा कि इस शेयर के अंदर देखो पावर सेक्टर कंपनी अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम से ये चल क्यों नहीं रहा है। तो भाई इसके पीछे एक्चुअली में, एक तो आप लोगों ने देखे होंगे पीछे जो इसके रिजल्ट्स आए थे काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, और स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो आप लोग देखोगे 15 रुपये के करीब है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो फंडामेंटली स्टॉक को मजबूत करती है और कुछ एक चीज़ें जो हैं वो स्टॉक को आप लोग देखोगे कमज़ोर भी करती है। तो पीई जो इसका वो आप लोग देखोगे 950 के आसपास पहुंचा हुआ है, जो कि बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत इसके अंदर है। बट आरएसआई एमएफआई अभी भी काफ़ी अच्छी रेंज में है, जो स्टॉक के अंदर तेजी के संकेत दर्शा रही है। तो पी थोड़ा हाई हो चुका है, बट प्रॉफिट जो कंपनी ने बनाया था 191 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ये कंपनी हमें लॉस में जाते हुए नजर आई थी। तो ये सारे असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिले, इसी की वजह से आप लोग देखोगे शेयर में ये रैली बनी है कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट आए हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है। और उनका जो कमेंट था कि काफ़ी टाइम से जो शेयर है ये टूट रहा है, हाँ भाई टूट रहा है, इसमें कोई दरा नहीं। आपका कमेंट भी सही मेरे को लगा, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे 8-9 रुपये के भाव से, और अगर मैं इसका ऑल टाइम अगर उठाकर देखूं तो ऊपर के लेवल से जो शेयर है ये लगभग 144 के आसपास पहुंचा था। कब? ये 2008 की बात है। और वहाँ से जो ये शेयर है ना, आज के टाइम आप लोग देखोगे सिर्फ और सिर्फ 8-9 रुपये के भाव पर है। कहाँ 144 और कहाँ आज आप लोग देखोगे 8 रुपये का भाव। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बहुत सारे निवेशक जो इसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहते। अगर भाई यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो, तभी यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी आपको होल्ड नहीं करनी है। कहीं आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 2 लाख है, तो सारी एक ही शेयर में लगा दो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000, 2000, 3000 इतनी ही क्वान्टिटी उठानी है, जितना अगर कल को लॉस हो जाए 50-60%, तो आपको जो है अभी कोई रिग्रेट फील ना हो, ठीक है, कहीं और स्टॉक में लगा कर वो लॉस रिकवर कर सके। बट यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हाई हो सकती है इन फ्यूचर में, और इसने पीछे अपना जो डेब्ट वगैरह वो भी पे किया है, ठीक है, अपनी एक सीमेंट यूनिट बेचकर। तो ये सारी चीज़ें जो ना भी अग्रसर आने वाले टाइम में इसके अंदर जो ना भी एक अच्छी रैली बना सकती है, ठीक है। हमारा भी एक जो ना भी इसके ऊपर उम्मीद वाला एक पॉइंट बन रहा है, जो आपको आई थिंक देखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं इसके आगे के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमारा क्या टारगेट था, हमारा टारगेट था 7.10 रुपये का, ठीक है, वो स्टॉक आज के दिन हमें अचीव करते हुए नजर आया है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से रहेगा हमारा, वो तकरीबन आप लोग देखोगे 8 रुपये के आसपास का बन रहा है ऊपर में, ठीक है। तो ये शेयर आपको जो अभी यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो देखने को मिल सकता है, तकरीबन 8 रुपये के आसपास का जो शेयर है हमें जल्द से जल्द अचीव करते हुए नजर आ सकता है। ऐसे में करंट लेवल के ऊपर जो सपोर्ट अब बना है ना, वो यहाँ पर आप लोग देखो तकरीबन बना हुआ 680 का स्टॉप लॉस आप लोग लेके चल सकते हो अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो। और यहां से जो शेयर एक जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देते हुए नजर आए, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर जो टारगेट है ऊपर में वो जबरदस्त हो सकते हैं। तो आप लोग इन लेवलों के ऊपर फोकस कर सकते हो, इन लेवलों को देखते हुए स्टॉक में एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद जो शेयर है वो सीधा आपको 7.15 रुपये जो हमारा टारगेट था वो अचीव होते हुए नजर आया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आते हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।